बच्चों की जीत के आगे किसी की नहीं चलती है, यही मामला मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भी देखने को मिला है। बेटी अपनी स्कूल में टॉप करना चाहती है, इसलिए मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में 5 साल 5 माह की बेटी ने स्कूल में रिजल्ट लगने से एक दिन पहले 14 घंटे का रोजा रखा है। बेटी का कहना है कि मैं स्कूल में टॉप करना चाहती हूँ, मुझे सभी विषय में 100 में से 100 मिलना चाहिए, इसलिए मैंने यह रोजा रखा है। मेरे मन में अब आया कि मैंने रोजा रखना चाहिए। मेरे माता पिता से इच्छा जताई, उन्होंने भी मुझे रोजा रखने के लिए हाँ कहा, मैंने यह रोजा रखा है। लोकल 18 की टीम को बुरहानपुर के सोनार पट्टी क्षेत्र में रहने वाली बेटी अलीजबा खान ने जानकारी देते हुए बताया कि मुझे स्कूल में टॉप करना है। मैं नेहरू मोंटेसरी स्कूल में KG 2 में पढ़ाई करती हूँ। मेरा सपना है कि मुझे सभी विषय में 100 में से 100 मिले। मैंने पढ़ाई भी अच्छी की है, मेरा रिजल्ट कल लगने वाला है। मेरे घर परिवार में सभी लोग रोजे रखते हैं। मैं पढ़ाई लिखाई करने के बाद कलेक्टर बनना चाहती हूँ। दीदी क्या नाम है आपका? अलीजबा खान। आपके दादा का नाम क्या है? नवाब खान। और आपके पापा का नाम? फिरोज खान। कहाँ पर रहते हो आप? बताओ ना एड्रेस। कहाँ पर रहते हो आप? सुनार पट्टी। सुनार पट्टी। आपने क्यों रोजा रखा है? मेरा मन कर रहा था। और क्या आपका रिजल्ट आने वाला, इसलिए रखा आपने? हाँ। कब आने वाला आपका रिजल्ट? कल। आप कितनी में पढ़ते हो? KG 2। कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? नेहरू मोंटेसरी। आप क्या करना चाहते हो, मतलब रिजल्ट टॉप करना चाहते हो स्कूल में, इसलिए रोजा रखा आपने? हाँ। सो हंड्रेड में सब में हंड्रेड मिले हो? सब में 100 में से 100, इसलिए। बड़े होकर क्या बनोगे? क्या बनोगे बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? कलेक्टर। भाभी किस तरह से ये बच्ची ने रोजा रखने की इच्छा जताई और आपने इसको अनुमति दी और इनने पूरी नमाज भी पढ़ी और रोजा रखा गया? हमारे घर में सभी लोग नमाज इबादत, मतलब रमजान होते हैं तो सभी लोग बहुत अच्छे से इबादत करते हैं, रोजा रखते हैं, पूरा घर हमारा माशाल्लाह रोजे रखता है। तो हमको सबको देख के उसको ऐसा था मुझे रखना है, मुझे रखना है, इसलिए हमने उसको फोर्स किया कि हाँ रोजा रखो। और 5 टाइम की नमाज भी पढ़ती है माशाल्लाह, सभी को जाता है उसको 5 टाइम के जितनी भी नमाजें होती है, नमाज के साथ आज उसने रोजा रखा और माशाल्लाह बस पूरा होने वाला है। कहीं ना कहीं कल उसका रिजल्ट भी आने वाला है, उन्होंने उसको देखकर आपको बोला था? हाँ, उसका कल रिजल्ट भी है मेन, इस वजह से उसने बोला कि मम्मा मैं रोजा रखूंगी तो मैं 100 में से 100 मिलेंगे क्या? हमने सबने यही समझाया कि हाँ बेटा अल्लाह ताला से जो भी मांगोगे वो जरूर पूरा होगा, इस वजह से सोच कर उसने कल, उसका रिजल्ट का दिन है ये सोच के उसने कल के लिए तो आज रोजा रख लिया। कितने क्लास में पढ़ती है? KG 2nd में। अभी 5 ईयर्स की एज है उसकी। क्या नाम आपका? मेरा रूबीना खान। बच्ची का रिजल्ट आने वाला है, बच्ची ने आपसे अनुमति ली और आपने रोजा रखने दिया, क्या है? हाँ जी, कल इसका रिजल्ट आने वाला है तो इसलिए इसीलिए बोली कि भाई पापा मैं भी रखो बेटा, इंशाल्लाह आप रोजा रखोगे, अल्लाह से दुआ मांगोगे तो आपको सब में उसकी इच्छा की सब में 100 में से 100 आए, तो मैं रख ले भाई रोजा तेरा हो जाएगा। हमको भी उम्मीद थी रखेगी, लेकिन अब लग रहा है कि पूरा रोजा कंप्लीट कर लेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह का रोजा हो रहा है आज, अगर देखा जाए तो 14 घंटे का लगभग रोजा है, 13 घंटे 40-45 मिनट का रोजा होता है। कितनी उम्र है बच्ची की? इसकी उम्र अभी 5 साल 5 महीने। और कितनी कक्षा में पढ़ती है? इसका KG 2nd का कल रिजल्ट आएगा। क्या नाम? मेरा नाम फिरोज खान।